हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी. सो लेट्स बिगिन. हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक. फर्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स. बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल. सो विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल. जो शीप है उसका कौन सा पार्ट वूल प्रोड्यूस करता है? यस, इट्स सिंपल, हेयर ऑफ शीप. जो हेयर होते हैं शीप के, उसी से हमें वूल मिलते हैं. हेयर ऑफ शीप, हेयर्स को हम क्या बोलते हैं? फाइबर भी बोलते हैं. तो हेयर ऑफ शीप. ओके, नेक्स्ट राइम इज मैरी हैड अ लिटिल लैम हुज फ्लीस एज वाइट एज स्नो. तो व्हाट इज फ्लीस हेयर? फ्लीस के व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम, उससे हम क्या समझते हैं? फ्लीज के फर, जो पंख है, फर है उसके, फर ऑफ लैम्ब. फर भी हेयर ही है. तो वाइट फ्लीज ऑफ लैम्ब रेफर्स टू वाइट कलर्ड फर. वाइट कलर्ड फर जो है शीप लैम्ब के. ओके, वाइट कलर्ड फर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर अ लार्वा. सिल्क वॉर्म क्या है, कैटरपिलर है या लार्वा है? इट इज बोथ, ए एंड बी, क्योंकि सिल्कवॉर्म दोनों स्टेजेस से ग्रो के आ रहा है, मैच्योर्ड फॉर्म है सिल्कवॉर्म. तो आ करेक्ट आंसर इज बोथ, ए एंड बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल. वूल कौन प्रोड्यूस नहीं करता? याक. याक इज अ वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल. याक के हेयर होते हैं जो फाइबर का काम करते हैं, उससे भी वूल मिलती है. सिमिलरली कैमल, कैमल के हेयर भी हम फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे हमें वूल मिलती है. गोट, गोट इज ऑल्सो अ वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल. गोट के हेयर से भी हमें वूल मिलती है. वूली डॉग, वूली डॉग क्या है, किसके हेयर तो है बट इट इज नॉट प्रोड्यूस टू यील्ड वूल. इससे हमें वूल नहीं मिलती है. क्यों? बिकॉज इसके जो हेयर है, हेयर ऑफ वूल, हमें आंसर एग्जाम में ये नहीं लिखना है, हमें सिर्फ मार्क करना है कि इससे नहीं मिलता है. पर एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी कि हम इसके जो हेयर हैं उसको हम स्पिन नहीं कर सकते एज या कैमल और गोट के हेयर्स के, कि गोट और उनके हेयर को हम स्पिन कर सकते हैं टू प्रोड्यूस फाइबर एंड वूल, पर वूली डॉग के नहीं कर सकते. नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स. रियरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियरिंग? यस, we can mark it in our NCERT. Where is rearing? Let's mark it in our book. Rearing क्या है? Raising of domestic animals. जो हम production करते हैं domestic animals को पालना. Normal भाषा में rearing का मतलब क्या है कि पालना. जो हम cow, buffaloes की rearing क्यों करते हैं? Milk के लिए. और wool की, sheep की, उनके किस लिए करते हैं? हेयर, उनसे हमें वूल मिलती है. टू गेट वूल फॉलोइंग टर्म रियरिंग. रियरिंग आप लोगों को समझ आ गया है रियरिंग क्या होता है, कि हम जो एनिमल्स को अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, जैसे कि काऊ बफेलो, उनको हम किस लिए पालते हैं? जिससे हमें उनसे दूध मिल सके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. एंड शीप, गोट, कैमल, उन सबको किस लिए रखते हैं? जिससे हम उनसे वो क्या ले सके, वूल ले सके, वूल बना सके. तो व्हाट इज रियरिंग? रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. आई विल राइट इट हियर फॉर यू. रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक शीप, गोट, काउ एक्सेट्रा, बहुत सारे एनिमल्स है हमारे, फॉर कमर्शियल पर्पस, अपने कमर्शियल यूज के लिए. वट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल? कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना, फॉर कमर्शियल पर्पस. ओके, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्रोडक्शन ऑफ, इसकी प्रोडक्शन के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, वूल, या फिर हम वो प्लॉइंग करते हैं, प्लॉइंग ऑफ फील्ड्स, प्लॉइंग ऑफ फील्ड्स. यस, दिस आंसर इज नॉट. शेयरिंग क्या है? जो हम एनिमल हेयर से अपने रिमूव, एनिमल हेयर को रिमूव करते हैं यूजिंग मशीन्स.
ठीक है, जैसी मशीन बार्बर के पास होती है उसको हम शेयरिंग बोलते हैं, कि जो शीप के ऊपर हेयर आए हैं अब हम इसको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? ब्लेड से या सिजर से, जो मशीन जैसे हमारे बार्बर के पास होती है, तो उसी को हम शेयरिंग बोलते हैं। ओके, सो शेयरिंग क्या है, राइट डाउन इट हेयर। शेयरिंग इज अ प्रोसेस, शेयरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनिमल हेयर बाई यूजिंग मशीन्स एज बार्बर हैव। ओके, डन। नेक्स्ट इज सेरिकल्चर। व्हाट इज सेरिकल्चर? सेरिकल्चर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वॉर्म। अभी हमने कल्चर क्या होता है, कल्चर होता है कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना कमर्शियल पर्पस के लिए। लेट्स सर्च इट हियर, इट विल बी गुड। देखो शेयरिंग यहाँ पे है, शेयरिंग को मार्क कर सकते हैं। द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, और इसी प्रोसेस को हम शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। तो इसी को हमने अपनी लैंग्वेज में नीचे मार्क कर लिया है, आई हैव रिटन डाउन इट फॉर यू। ओके, नेक्स्ट इज सेरिकल्चर। Scoring, sorting, sorting. What is a third? Now, next is sericulture. What is sericulture? We will mark it in our NCERT book. It is mentioned in clearly here. सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर एनिमल फाइबर क्यों है? क्योंकि वो हमें एनिमल से मिलते हैं। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर, जो सिल्क वॉर्म है वो स्पिन करती है सिल्क फाइबर को। और रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, यहाँ से हम आंसर लिखेंगे, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ये हमारा थर्ड पॉइंट का आंसर हो गया। वॉट इज सेरिकल्चर? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, द रियरिंग ऑफ सिल्क, रियरिंग वर्ड क्लियर है सबको? यस, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल विच आर द मिसिंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप हमारा शेयरिंग है। शेयरिंग क्या है? रिमूविंग ऑफ हेयर। अब हमने हेयर रिमूव कर लिए हैं तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? उसको क्लीन करना। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आया शेयरिंग के बाद? स्काउरिंग। स्काउरिंग क्या होता है? जो शेयर्ड स्किन है, जो हमने हेयर निकाले हैं वूल से, उसको क्लीन करना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? स्काउरिंग। सॉर्टिंग, फिर उनको छाटना। देन सॉर्टिंग के बाद पिकिंग ऑफ बर्ड्स, उसमें से हमने अपने बर्ड्स बाहर निकाल दिए। पिकिंग ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट इज फाइबर, जो बचा है हमारा उसको हमने डाई किया। डाइंग ऑफ फाइबर मतलब डिफरेंट कलर्स में। डाइंग क्या है? कलर बंद करना। देन फाइबर से हम क्या बनाते हैं? यार्न बनाते हैं। मेकिंग yarn, next step is production of yarn. Okay, then next question is make sketches of the two stages in the life history of this silk moth which are directly related to the production of silk. कौन कौन से stages हैं? cocoon है जो हमारी मलबरी लीफ पे ग्रो होता है, next है cocoon with developing moth. I will show this in your book कि हमें यहाँ पे कौन सा diagram बनाना है और हम उसको थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। ये हमारे कुकून्स हैं, तो ये सिल्क वॉर्म की स्टेज है जो कि हेल्प करते हैं रियरिंग में। तो एक हमें ये कुकून बनाना है। ओके,
और नेक्स्ट उसमें डेवलपिंग मोथ, मोथ का है ये हमारा मोथ है, लार्वा या कैटरपिलर फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स। तो हमें लीव्स शो करने की ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू शो द कोकून हेयर। ऊपर होगा, यस हेयर इट इज, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो कोकून विद डेवलपिंग मोथ, वी विल ड्रॉ दिस इन दैट क्वेश्चन। यू नीड टू ड्रॉ दिस कोकून विद डेवलपिंग मोथ एंड नेक्स्ट कोकून। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ओके। कोकून एंड कोकून विद डेवलपिंग मोथ, यू हैव टू ड्रॉ दीज टू डायग्राम्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द 7th क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी टर्म्स हैं, हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर तो हमने अभी पढ़ा था क्या होता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, तो ये सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यस। तो एक तो हमारा यही हो गया। सेकेंड है फ्लोरिकल्चर, वट इज़ फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर ये होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स ऑन लार्ज स्केल, की जो हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, जैसे फ्लावर के जो बड़े बड़े फील्ड्स हैं उसी को फ्लोरिकल्चर बोलेंगे, कि कल्चरिंग ऑफ फ्लावर्स। वट इज मोरिकल्चर, मोरिकल्चर के जो मलबरी लीव्स की ग्रोथ करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं मलबरी लीव्स की खेती करना, उसको कहेंगे मोरिकल्चर, ओके। यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस एल्बा। तो ये मोरस से हमारा टर्म आया मोरी, कि मलबरी का साइंटिफिक नेम क्या है, मोरस एल्बा, और मोरस से हमने लिया मोरी। तो मोरी कल्चर मतलब मलबरी लीव, मलबरी का जो ट्री है उसको लार्ज स्केल पे ग्रो करना। तो ये भी हमारी टर्म जो है सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि हमें सिल्क वॉर्म के लिए क्या चाहिए होता है, मलबरी लीव्स चाहिए होती है, वहीं पे वो ग्रो करती है, उसको खाती हैं वो। नेक्स्ट इज एपिकल्चर, व्हाट इज एपिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ बीज, कल्टीवेशन ऑफ बीज, जो बी कीपिंग करते हैं फार्मर्स, बीज को रखते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी ऑन लार्ज स्केल, तो एपिकल्चर। एपी क्या है, एपिस इंडिका हमारी बी की, बी का साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका, तो वहीं से एपी वर्ड पिक किया है और उससे आ गया एपिकल्चर। नेक्स्ट इज सिल्विकल्चर, सिल्विकल्चर इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट की देखभाल करना, लार्ज स्केल पे ट्रीज को ग्रो करना, उसी को हम कहते हैं सिल्विकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। व्हाट इज स्कोरिंग, अभी हमने डिस्कस किया, क्लीनिंग शियर्ड स्किन, क्लीनिंग शियर्ड स्किन को क्या बोलेंगे, स्कोरिंग। मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स क्या है, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। याक क्या है हमारा, याक के यील्ड सिल्क फाइबर, या फिर वूल, सिल्क फाइबर यील्ड करेगा, नहीं, वूल यील्डिंग एनिमल है, याक से हमें वूल मिलती है, ओके। याक इज अ वूल यील्डिंग एनिमल। कोकून, कोकून क्या करते हैं, यील्ड्स सिल्क फाइबर, ओके, कोकून यील्ड्स सिल्क फाइबर। नाउ दिस इज अ क्रॉसवर्ड, डू यू वॉन्ट टू सॉल्व इट, यस, ओके, लेट्स सॉल्व दिस। डाउन, डाउन मीन्स ये डाउन कॉलम्स जो हैं, ठीक है, और अक्रॉस मतलब जो रोज में हमें लिखना है। तो फर्स्ट वन इज वन का, डी का वन, थोरो वॉशिंग, वॉशिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। तो यहाँ आ जाएगा एस सी ओ यू आर, स्कोर। नेक्स्ट इज एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर क्या है हमारा, बी का टू,
टू डी. एनिमल फाइबर क्या है? सिल्क. सिंपल, सिल्क हमारा एनिमल फाइबर है. वेरी गुड. एस आई, हेयर गोज एल एंड हेयर गोज के. सिल्क. लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? वेरी गुड. फाइबर. फाइबर इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. बस एक लंबी सी थ्रेड जो हमारा फाइबर टू फिर फैब्रिक बनता है ना. बहुत सारे फाइबर्स को मिला के हम फैब्रिक बनाते हैं और यान से फाइबर बनाते हैं. तो 3D वेज 3D फाइबर. एफ आई, वाई इज नॉट टेकिंग हियर. आई बी आर फाइबर. दिस इज डन. नेक्स्ट इज कीप्स वॉर्म. एक क्रॉस में लेना है हमें A1. कौन गर्म रखते हैं? एनिमल्स के हेयर क्यों इतने ज्यादा? क्योंकि उनको गर्म रखते हैं. कीप्स वॉर्म. वूल. वेरी गुड. वन का ए. वन ए वूल. एक क्रॉस लेना है हमें अभी. W O एंड दिस इज अगेन O एंड इट कंप्लीट्स अ सेंटेंस. वूल. इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म्स. अभी अभी हमने डिस्कस किया किसकी लीव्स खाती हैं सिल्क वॉर्म. मलबरी की. ओके तो मलबरी कहाँ आएगा हमारा? 2A. मलबरी. M U L टाइपिंग एरर. M U L B E मलबरी. डबल आर बाय. इट्स मलबरी. ई आर बाय मलबरी. ओके नेक्स्ट इज हैचेज फ्रॉम एग ऑफ मॉथ. मौत के एक से क्या हैच होके बाहर निकलता है? कैटरपिलर. सी ए टी ई आर टी आई एल एल A R. Good. Now our exercise is complete with this. I hope you all are clear with this. If you have any question in the exercise, you can comment in the comment box. And please like and subscribe my channel. Thank you.